सबसे पहले मैं माँ भवानी के चरणों में नमन करता हूँ। हृदय सम्राट, हिंदू सम्राट, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर माननीय बाला साहब ठाकरे के चरणों में नमन करता हूँ। मंच में उपस्थित मेरे सभी युवा साथी, इंदौर से, बाहर से, खरगोन से सभी पदाधिकारीगण, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और खास करके हमारे प्रत्याक्षी भाई प्रभात जी, जो आज इस बड़नगर विधानसभा से फॉर्म भरने जा रहे हैं, उसी के उपलक्ष में मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं यहाँ की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने 15 साल से सत्ता में भाजपा, उसको देख चुके हैं। इनका भ्रष्टाचार, अत्याचार, मनमानी जो भी इनसे हो रहा है, वो सब कुछ करते जा रहे हैं। इनको उखाड़ के फेंकने की कोई शक्ति रखती है तो वो सिर्फ एक ही पार्टी है, जिसका नाम शिवसेना है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व के नाम से वोट लेते हैं, राम के नाम से वोट लेते हैं, लेकिन आज तक इन्होंने राम मंदिर नहीं बनाया। हमेशा हम लोगों को बेवकूफ बनाया है। अरे तुम वास्तविकता में राम मंदिर बनाना चाहते हो तो फिर अध्यादेश लाइए और जनता को साफ स्पष्ट बताइए कि राम मंदिर हम बना रहे हैं। ये बेवकूफ बना रहे हैं आप लोगों को। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, अभी माननीय उद्धव जी ठाकरे ने 18 तारीख को दशहरे की एक रैली में आह्वान किया था कि चलो अयोध्या, चलो अयोध्या, और 25 तारीख को लाखों की संख्या में हिंदुस्तान के शिव सैनिक राम मंदिर बनाने के लिए कूच करेंगे और प्रण करेंगे कि राम मंदिर कोई बना सकती है तो वो एक ही पार्टी है, जिसका नाम शिवसेना है। हम उद्धव जी ठाकरे के साथ, आदित्य जी ठाकरे के साथ और सारे हिंदुओं को कहना चाहता हूँ और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि भाजपा ने हमेशा बेवकूफ बनाकर अपना मतलब सिद्ध किया है। अब इनको उखाड़ के फेंकने का समय आ गया है। आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि मोदी जी ने कहा था, उस समय बोला था, भाषण में कहा था, लोगों को कहा था कि हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। अरे 15 लाख तो ठीक है, 15,000 रुपए किसी गरीब के खाते में नहीं गए। मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूँ और खास करके उन गरीबों को कहना चाहता हूँ कि हमको बेवकूफ बना के, मूर्ख बना के और बुद्धू बना के सत्ता में भेज गए और अच्छे अच्छे करोड़ रुपए के कपड़े पहनकर हवाई आज में बैठ बैठ कर विदेश में पैसे का सत्यानाश कर रहे हैं। अगर वास्तविकता में तुम किसी गरीब के खाते में 15,000 भी डाल देते तो हम मानते। तुम्हें सारे गरीबों को कहना चाहता हूँ, आज संकल्प करें और इनको बता दें कि तुमने हमारे साथ जो धोखा किया था, उस धोखे का परिणाम आज आपके सामने आ गया है। हमारा बड़नगर से प्रत्याशी भाई प्रभात, जो छोटा सा बच्चा है, 27 साल का बच्चा है, जो मैंने देखा है, हमेशा मैं टीवी चैनल पे भी देखता हूँ और पेपर में भी देखता हूँ, आप लोगों की समस्याओं के लिए जूझता रहता है। समय आ गया है आप लोगों के पास इस भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देने का, इनके अत्याचार का जवाब देने का, इनका मूर्ख बनाने का जवाब देने का, मंदिर बनाने के नाम से जो वोट लेते जवाब देने का। आप भाई हमारे प्रभात को, जो विधानसभा का टिकट
इस बड़नगर से भरने जा रहा है, आप उसे जिताइए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि शिवसेना एक ऐसी मर्द पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है जो काम कराने की, आपके गरीबों का काम कराने की कोई ताकत रखती है। क्योंकि शिवसेना का हमेशा एक ही बात रही है, पहले हाथ जोड़ के आवेदन करती है, निवेदन करती है कि जो धनाधन करके काम कराती है। अब आप लोगों को ये चुनना है। हिंदुत्व के नाम से आज मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और मैंने भी टीवी पे कल चैनल लगा के जब मैं देख रहा था तो ये कह रहे जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि पूरी देश के अंदर हमने बिजली कर दी है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां हमारी बिजली नहीं पहुंची है। थोड़ी देर में मैंने चैनल बदला तो इस मध्य प्रदेश का गांव का नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हमारे गांव में अभी तक बिजली नहीं आई है, और बड़े बड़े वोट लगा रहे थे कि भाजपा वोट मांगने आएगी तो झूले मार के बाहर निकाल देंगे। मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ, ये मूर्ख बनाती है, बेवकूफ बनाती है। कांग्रेस ने तो 50 साल में जो भ्रष्टाचार नहीं किया, इन्होंने मात्र 15 साल के अंदर इतने घपले किए, इतने भ्रष्टाचार किए। अभी जो सीएस के अंदर मुख्यमंत्री ने इतने बड़े भ्रष्टाचार किए, इनके मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किए, अरे ये हिंदुत्व की क्या बात करते हैं, हिंदुत्व को लूट के खा गए। तो साथियों और बड़नगर की जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरे छोटे भाई ने अभी कहा कि यहाँ बड़नगर के अंदर कोई कॉलेज नहीं है, कोई बड़ा कोई कारखाना नहीं है, कोई अच्छे बड़े अस्पताल नहीं है, तो आपको ये सारी चीज लेके आना है। तो आप हमारा जो प्रत्याशी है, हमारा जो जो जुझारू है, हमारा जो शेर है, उसको वोट देकर और भारी बहुमत से जिताना है। मैं आपकी बड़नगर की जनता से यही कहना चाहता हूँ और सबको यही कहता हूँ कि इनको जवाब देने का समय आ गया है। अगर वापस आपने सिर पे बिठाया तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आने वाले कल में क्या होगा, ये कुछ नहीं कह सकते। इनको डंडा करने के लिए, इनको ताकत से मिटाने के लिए, इनको विधानसभा में जाके हमारे कुछ शेर अगर बैठ गए तो इनकी जो मनमानी है वो मनमानी खत्म कर देंगे। तो मैं बड़नगर की जनता से कहना चाहता हूँ और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि अब आपके सामने, अरे इन्होंने नोटबंदी लगा दी, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान किया, फिर हमने सांस भी नहीं ली, व्यापारियों ने बेचारों ने सांस भी नहीं ली, काम धंधे वालों ने बेचारों ने सांस भी नहीं ली, ने जीएसटी ठोक दिया, जीएसटी ठोक दिया, सारे व्यापारी परेशान, सारी दिक्कतें परेशान, इतना परेशान इस पूरे देश को कर दिया है इन्होंने। आज आपके सामने इनको सबक सिखाने का समय आ गया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कांग्रेस को जिताओ, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि कुछ शेर जिताकर विधानसभा में भेज दो, जो इनकी ये मनमानी करते हैं, इनकी मनमानी को खत्म करने की ताकत ये शिवसेना में है, शिवसेना के शेर में है। तो मैं बड़नगर की जनता से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इस बार इनको उखाड़ के फेंक दो, और इस बार ये प्रभात जो बच्चा आपके घर घर आ रहा है, आपसे वोट मांगने आ रहा है, यहाँ के व्यापारी लोग भी सुन रहे हैं, यहाँ के सब लोग सुन रहे हैं, यहाँ के गरीब जनता सुन रही है, जिनको 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था, 15,000 रुपए नहीं दिए, 5 रुपए नहीं दिए, आज आप सब लोग यहाँ से कसम खा के जाओ कि हमको किसी को जिताना है तो भाई प्रभात को जिताना है, शिवसेना को लाना है। विधानसभा में अगर 5-10 शेर छोड़ दिए तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पूरी मध्य प्रदेश की हम सकल बदल देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब सूरज जी गुजर का उद्बोधन आपने सुना कि शिवसेना आने वाले समय में क्या करेगी, ये तो